सॉरी सारा, सॉरी रकुल, माफ करना सारा, माफ करना रकुल, खुलेआम देश के सामने, लोगों के सामने माफी मांगी है। जी हाँ, सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन ये हिम्मत जुटाई है बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्री समांथा अकनैनी ने। समांथा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के लिए माफी मांगी है। लिखा है, सॉरी सारा, सॉरी रकुल। गौरतलब है कि एक प्रसिद्ध इंग्लिश न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियों का नाम एनबीसी के सामने खुलासा किया है, जिसमें सारा अली खान का नाम और रकुल प्रीत सिंह का नाम आ रहा था। लेकिन अब एनसीबी ने इस न्यूज को, इस अफवाह को गलत बताया। एनसीबी ने कहा है कि अभी तक उनके पास किसी भी बॉलीवुड बड़े सेलेब का नाम नहीं आया है, सारा का और रकुल का नाम तो बिल्कुल भी नहीं आया है। ऐसे में उन लोगों को अब शर्मिंदगी हो रही है जो सारा और रकुल के खिलाफ लगातार बातें करते आ रहे थे, आरोप पर आरोप करते आ रहे थे। ऐसे लोगों को ही सबक सिखाने के मकसद से, ऐसे लोगों को उजागर करने के मकसद से समांथा अकनैनी ने बहुत ही प्यारी चीज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, सीधे लिख डाला, सॉरी सारा, सॉरी रकुल। समांथा के बारे में आपको बता दें कि ये बॉलीवुड बॉलीवुड में भी काम किया उन्होंने और साउथ के सुपरस्टार है। नागार्जुन उनकी बहू हैं, उनके बेटे चैतन्य की पत्नी हैं और खुद साउथ की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं, बड़ी सुपरहिट फिल्में कई इन्होंने दी है। समांथा ही नहीं, बॉलीवुड के कई सेलेब अब खुलकर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही फिल्म मेकर गुप्ता जी ने भी समर्थन किया था और साफ तौर से कहा था कि जैसे मेरी बेटी आपकी बेटी, वैसे ही सारा अली खान की बेटी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो समांथा की इस तरह की हरकत पर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। और याद रखिए कि फीफा फूस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ज्यादा अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही मिलने वाली है।